हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद देता हूँ आज एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया कि उसके जीवित वचन के ऊपर मनन किया जाए। और सुंदर अवसर है आज हमारे पास। बीते सप्ताह परमेश्वर ने हमको संभाला, जीवित रखा, सही सलामत रखा। प्रभु का लाखों बार धन्यवाद देता हूँ, हालेलुया। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रभु आज भी जीवित है, आज भी वो परमेश्वर के दाहिने हाथ है और मेरे और आपके लिए कार्यरत है। हम जो विषय मांगते हैं वो हमें देता है, वो हमें चंगाई देता है, हमें छुटकारा देता है, आजादी देता है और हमारे लिए वो बड़े बड़े काम करता है। क्योंकि भजन संहिता 72 और उसकी 18 आयत में लिखा है कि धन्य है इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, आश्चर्य कर्म केवल वो ही करता है। हालेलुया। तो आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर सिर्फ हमारे पास है। तो वो परमेश्वर जो आश्चर्य कर्म करता है, वो परमेश्वर जो हमें सब कुछ मुहैया कराता है, वो परमेश्वर जो मेरी और आपकी चिंता करता है, वो हमारी साइड है। प्रतिदिन वो हमसे कहता है कि मत डर, और हमें हर एक बात से, हर एक चिंता से, हर एक परेशानियों से मुक्ति देता है और उठाकर ऊंचे स्थान पर हमको बैठा देता है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से। परमेश्वर ने मौका दिया कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम लोग मनन करें। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही नाजुक है, नाजुक है। मैं नाजुकी कहूँगा इसको, क्योंकि मैंने देखा है बहुत से परिवारों में, मसीही परिवार हो या कैसे भी कोई से भी परिवार हो, झगड़े, लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं। ये तो बहुत ही प्रचलित बात है, लड़ाई झगड़े। तो बाइबल लड़ाई झगड़ों के विषय में क्या कहती है, आज हम इस विषय में बातचीत करेंगे। और बाइबल के अनुसार हम इसका एक सॉल्यूशन भी निकालेंगे कि घरों में लड़ाई झगड़े ना हो, बाइबल इसके विषय में क्या कहती है, हम कैसे सीखें उन बातों को कि हम आपस में लड़ाई ना करें, हम आपस में एक दूसरे का आदर करें, हम एक दूसरे से प्रेम करें, इस विषय में बाइबल क्या कहती है। जल्दी से मैं आगे इस बात को बढ़ाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लंबा मैसेज हो जाए, क्योंकि जब लंबा मैसेज हो जाता है तो लोग बोर हो जाते हैं, सुनते नहीं है और क्या कहते हैं, फॉरवर्ड कर देते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और आज जो प्रार्थना है वो भी आज हम एक बार फिर से, जैसे बीते दिनों मैंने किया था, जिन घरों में लड़ाई झगड़े हैं उन घरों के लिए हम प्रार्थना करेंगे आज, मैं और आप मिलकर, कि परमेश्वर हर एक घर में से उन लड़ाई झगड़ों को दूर करे, जिनके वजह से क्या हो जाता है, मनमुटाव हो जाते हैं। एक घर में रहते हुए भी लोग दूर दूर रहते हैं, एक घर होता है लेकिन उसमें दो चूल्हे होते हैं, अलग अलग रहते हैं, बातचीत नहीं करते महीनों तक, और इस बात का जो है वो शैतान फायदा उठाता है। हालेलुया। तो शैतान को फायदा ना देते हुए आइए हम परमेश्वर के वचन के में चलेंगे। मैं एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु सुंदर समय के लिए जो तूने दिया। प्रभु परम पिता परमेश्वर, मैं अपने आप को तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु जी। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे प्रभु, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। परमपिता परमेश्वर, मैं विनती करता हूँ प्रभु जी, जो भी वचन में गूढ़ भेद की बातें छुपी है वो आज हम पे प्रकट करना प्रभु, ताकि उन बातों को जाने समझें और अपने जीवन को तेरे वचन के अनुसार गुजारने वाले बन सके। क्योंकि तेरे वचन में लिखा है कि वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले बने। हालेलुया। तो आइए हम प्रभु के नजदीक जाते हुए, प्रभु को नतमस्तक होते हुए, समर्पण के साथ प्रभु के पास आएंगे। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम आगे चलते हैं जल्दी से, और एक वचन हम निकालेंगे। सबसे पहले जो एक वचन मैंने लिख रखा है यहाँ पर, वो है पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे वहां पर क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसकी पहली आयत, वहां पर क्या लिखा है, ध्यान से सुनिएगा वचन को। अगर आपके पास बाइबल है तो बाइबल ले लीजिए और मैं यहाँ पर पढ़ के आपको सुनाऊंगा, हमेशा की तरह जैसे कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लिखा है, क्या तुम में से किसी को ये हियाव नहीं, हियाव है कि जब दूसरे के साथ झगड़ा हो तो फैसले के लिए अधर्मियों के पास जाए और पवित्र लोगों के पास ना जाए। हालेलुया। जब लड़ाई झगड़े होते हैं मसीहों में तो हम कहाँ पर जाते हैं, हम किसी नेता के पास जाते हैं, किसी प्रधान के पास जाते हैं, ऊंचे ओहदे वाले के पास, जो जानते नहीं कि विश्वास क्या है या प्रभु यीशु मसीह क्या, हम उनके पास अपने लड़ाई झगड़ों को लेकर जाते हैं। हालेलुया। लेकिन बाइबल कुछ और बताती है इसके विषय में,
इसके इससे पहले कि हम इन बातों में आगे बढ़े, मैं एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये लड़ाई झगड़े हैं क्या चीज, इसका बेस क्या है, ये कहाँ से शुरू होते हैं। क्योंकि याकूब एक अध्याय, चार अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा है, बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये, इस पर मैं एक बहुत अच्छा एक मैसेज तैयार कर रहा हूँ सवालों के ऊपर, बाइबल के सवालों के ऊपर। उसमें से एक सवाल ये है कि तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए। हालेलुया। लिखा है बाइबल में, मेरे साथ निकाल के पढ़ सकते हैं आप लोग, याकूब की पत्री चार अध्याय और उसकी पहली आयत, क्या लिखा है यहाँ पर, पढ़ के देखें इसको। मैं पढ़ देता हूँ जोर से, यहाँ क्या लिखा है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहाँ से आ गए। कहाँ से आ गए हमें लड़ाइयां झगड़े कहाँ से आ गए? क्या जब परमेश्वर ने हमको पैदा किया था, जब परमेश्वर ने हमको गर्भ में से ही चुन लिया, तो लड़ाई का कुछ कण हमारे अंदर डाल दिया था कि बेटा जब तुम पैदा होगे तो इनसे लड़ लेना या उनसे लड़ लेना, ये लड़ाई का एक एक जो है कण मैंने तुम्हारे अंदर डाल दिया, इसको व्यर्थ मत जाने देना, तुम लड़ाई जरूर करना, नहीं तो मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कि तुम में लड़ाइयों और झगड़े कहाँ से आ गए, क्योंकि परमेश्वर ने लड़ाई झगड़े बनाए ही नहीं थे। बाइबल का पूरा निचोड़ ही प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं सब लोग, अगर पूछा जाए कि बाइबल की मेन आयत कौन सी है, तो सभी बताएंगे कि यूहन्ना 3 अध्याय और उसकी 16 आयत। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई भी उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने अपने बेटे से प्रेम नहीं किया जितना मुझसे और आपसे किया। तो और हमने कौन से उसको करोड़ों का एक चेक लिख कर दे दिया, या हमने बहुत कुछ परमेश्वर को दे दिया, परमेश्वर ये लो और हमारे लिए उद्धार करता दे दो, ऐसा कुछ भी नहीं हमने किया। ये एक निस्वार्थ प्रेम था परमेश्वर का कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया। अगर हमारे पास कोई एक हमारी प्रिय चीज होगी, इकलौती होगी, एक ही चीज होगी हमारे पास, अगर वो हमसे कोई मांगे क्या गया तो क्या हम उसको देंगे? हरगिज नहीं देंगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने हम पर अपना प्रेम ऐसा दर्शाया कि जब हम पापी थे तब यीशु मसीह हमारे लिए मर गया। हालेलुया। और यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी किस लिए दी? यीशु मसीह क्रूस पर इस तरह से चढ़ गए, यीशु मसीह के हाथों पैरों में कीलें ठोकी गई, सर पे जो है कांटों का ताज रखा गया, यीशु मसीह की दाढ़ी नोची गई, थूका गया। और लेकिन क्यों? इसलिए कि हम यीशु मसीह की कुर्बानी के बाद, यीशु मसीह के क्रूसिफाइड होने के बाद हम लड़ाई झगड़े करें, हम तूतू मैमे करें, एक दूसरे को गाली दें। हालेलुया। हम देखेंगे लड़ाई का बेस क्या है। हालेलुया। आइए सबसे पहले मेरे साथ निकाल ले गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे, ये है क्या चीज, लड़ाई है क्या चीज। यहाँ पर आत्मा और शरीर के विषय में कुछ बातें लिखी हैं। मैं 16 आयत से पढ़ूंगा और आप ध्यान से सुनिएगा क्या लिखा है। पर मैं कहता हूं, ये पौलुस प्रेरित कहता है, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करने पाओगे। लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं हमारे जीवन में? क्योंकि हम आत्मा के अनुसार चलते ही नहीं, हम शरीर के अनुसार चलते हैं, इसलिए लड़ाइयों को हम अपने जीवन में पहला स्थान दे देते हैं। देखते हैं आगे चल के क्या कहता है पौलुस। मैं तुमसे कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो कुछ तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। हालेलुया। तो शरीर और आत्मा क्या है? एक दूसरे के विरोधी हैं। हालेलुया। एक दूसरे के विरोधी हैं। शरीर अपनी तरफ खींचता है, मतलब एक तरह से इनके अंदर इस तरह से 36 का आंकड़ा है, शरीर अपनी तरफ खींचेगा, आत्मा अपनी तरफ खींचेगी, लेकिन जीत किसकी होनी चाहिए? अगर हम प्रभु में हैं तो जीत हमेशा आत्मा की होनी चाहिए, हमें शरीर को नहीं जिताना, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 3:5 में लिखा है कि जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र दिया जाएगा। हालेलुया। जय किस पर पाना है? अपने क्रोध पर, अपने घमंड पर और अपने शरीर पर जय पानी है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि शरीर जो है आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है। देखते हैं आगे झगड़े के विषय में क्या लिखा है। शरीर के काम तो प्रकट है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा।
झगड़ा, ये शरीर के काम है। अगर हम झगड़ा कर रहे हैं तो हम शारीरिक हैं। हमने यमुना 1:12 को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, वहां पर लिखा है यमुना 1:12 में कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, यीशु मसीह ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। तो हमने तो यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, हमने परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पा लिया, हमने बपतिस्मा ले लिया, हर पहले संडे को हम चर्च में प्रभु भोज भी लेते हैं। हम फिर भी लड़ रहे हैं क्यों? ये तो गलत है, क्योंकि अगर बपतिस्मा हमने ले लिया है तो हमारे जो शारीरिक काम है वो खत्म हो गए। हम आत्मा में, हम एक नई सृष्टि बन गए, हम प्रभु यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गए। तो जब हम मर चुके हैं शारीरिक रूप से, आत्मिक रूप से हम जी उठे हैं, तो ये लड़ाइयां हमारे जीवन में आई कहां से? याकूब इसी बात को पूछता है कि तुम में लड़ाई झगड़े कहां से आ गए? हालेलुया, ये क्या है? शरीर का काम है। यहाँ पे लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात वे विचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कला। ये सारी बातें शारीरिक काम है। और आगे चल के कहता है पौलुस कि ऐसे ऐसे कामों का और ऐसे ऐसे और काम है, इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसे पहला कह चुका हूं, कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया, लड़ाई झगड़ा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे, चाहे वो मैं हूं चाहे आप हो। अगर हम किसी अपने भाइयों से लड़ाई कर रहे हैं, अगर हम किसी से भी लड़ाई कर रहे हैं, तो हम परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं हो सकते। अगर हम परमेश्वर के राज्य के वारिस होना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन से इस लड़ाई की दुष्टात्मा को निकालना पड़ेगा, और वो मुश्किल काम नहीं है। एक अपने जीवन की एक छोटी सी घटना आपको मैं बताता हूँ। बहुत साल पहले की बात है, मैं अपनी सिस्टर के साथ जा रहा था, तो पीछे से साइकिल की घंटी कोई बहुत तेज से बजाया जा रहा था, जगह बहुत थी साइड में। तो मैंने कहा, मैं अपनी सिस्टर से कह रहा था, देखो ये कितना उतावला हो रहा है निकलने के लिए, इतनी जगह यहाँ से निकल जाए, घंटी बजाया जा रहा है, क्योंकि घंटी बजाता है कोई हॉर्न बजाता है तो एकदम से क्रोध हमारे दिमाग में आ जाता है, हम क्रोध से भर जाते हैं कि ये क्या है। और ऐसे ही हुआ भी, मैं क्रोध से भर गया, मैंने कहा मैं इसको डांटता हूँ, क्यों घंटी बजा जा रहा है। मैंने मुड़ के देखा तो कौन था? मेरा बड़ा भाई। हालेलुया, मेरा क्रोध खत्म। हालेलुया, अगर कोई और होता तो क्या होता? अगर मेरे भाई की जगह कोई और होता तो क्या होता? लड़ाई होती, झगड़ा होता, और उतु मैं होती, और बात आगे भी बढ़ सकती थी, क्योंकि जरूरी नहीं कि मैं अगर शेर हूं तो सामने शेर ही आए, मेरे सामने सवा शेर भी आ सकता है और मुझे वो खत्म भी कर सकता है। हालेलुया, तो झगड़े का कोई बेस नहीं है, झगड़े का कोई बेस नहीं है, हम खुद ही झगड़े को इजाद करते हैं, उसको पैदा करते हैं झगड़े को, और उसको हम बढ़ाते बढ़ाते एक बहुत बड़ा दरख्त बना लेते हैं, और वो झगड़े क्या करते हैं, परिवारों में दूरियां पैदा कर देते हैं, परिवार अलग अलग हो जाते हैं, सालों तक बात नहीं करते, एक दूसरे का हालचाल नहीं लेते, और परेशानियों में रहेंगे तो भी कहेंगे मैं अपने भाई के घर नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मर जाऊं, लेकिन मैं उसके घर नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे पड़ोसी के घर जाना पड़े। ये चीज गलत है, क्यों? क्योंकि ये जो झगड़े जो है ये शरीर के काम है। हालेलुया, ये शारीरिक काम है, झगड़ा जो है वो शारीरिक काम है। हमारे घरों में लड़ाई झगड़े क्यों है? क्यों है? क्योंकि हम अपने को कुछ बना कर दिखाना चाहते हैं कि हम कुछ हैं। ये चीज अगर हमारे अंदर से निकल जाए कि मैं कुछ हूं, तो झगड़े कभी ना होंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने एक बार एक छोटा सा दृष्टांत बताया कि दो व्यक्ति जो है मंदिर में प्रार्थना कर रहे थे। एक था जो फरीसी था, वो कहने लगा कि मैं तो हफ्ते में 2 बार उपवास रखता हूँ और अपना सारा दशमांश भी देता हूँ, लेकिन मैं इसकी तरह नहीं हूं जो यहाँ पर खड़ा है। और जो दूसरा व्यक्ति खड़ा था वो कौन था? वो चुंगी लेने वाला था, और उसने स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, अपनी छाती पीट पीट कर उसने प्रार्थना की और कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। हालेलुया, देखिए ये चीज बहुत जरूरी, अंगीकार करता है मैं पापी हूँ। हालेलुया, और लूका 18:14 आयत में लिखा है कि जो अपने को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया, जो अपने को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। हम बड़े बने रहते हैं, लड़ाई झगड़ों में व्यस्त हो जाते हैं, एक दूसरे को मारते कूटते हैं, गालियां देते हैं और अपशब्द भी बोल देते हैं, श्राप भी दे देते हैं,
जबकि रोमियो में लिखा है 12:14 में कि आशीष दो श्राप ना दो। हालेलुया। तो ये लड़ाई झगड़े कौन ईजाद करता है? हम खुद ईजाद करते हैं। याकूब 4:1 को हम दोबारा से अगर देखें तो वहां पर लिखा है कि तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते फिरते हैं? हालेलुया। उसका फिर परिणाम क्या होता है, उन लड़ाई झगड़ों का परिणाम क्या होता है? अगर ये लड़ाई झगड़े हमने अपनी जिंदगी से नहीं हटाए तो बहुत बुरा परिणाम हमारे सामने आता है। देखिए क्या है वो, ठीक है, तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या ढहा करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, तुम झगड़ते हो और लड़ते हो, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हालेलुया। क्या लिखा है कि हत्या और ढहा करते हो। हत्या कब होती है? यीशु मसीह ने कहा मत्ती 5 में कि कोई अपने भाई पर क्रोध ना करे। लिखा है वहां पर मत्ती 5 में, मैं जल्दी से पढ़कर आपको बताता हूँ क्या लिखा है। वो 5 जो है बहुत ही मेरा फेवरेट अध्याय है, आप भी उसको पढ़िए। बहुत ही बेहतरीन बातें वहां पर यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही है जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ पहाड़ पर गए थे। यहाँ पर लिखा है 5 की 21 आयत में लिखा है, तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या न करना और जो कोई हत्या करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वो कचहरी में दंड के योग्य होगा। क्रोध हमारे जीवन में कहाँ से आता है? वो घमंड से आता है। जब हम घमंड से भरे होते हैं तब हम क्रोध से भर जाते हैं और क्रोध के बाद क्या हो जाती है? हत्या। हालेलुया। क्रोध के बाद ही हत्या होती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि प्यार प्यार में किसी ने किसी का मर्डर कर दिया हो या ऐसे कहते चलो अब हम मर्डर खेलते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। जो हत्या जो होती है, जो मर्डर जो होता है, वो हमेशा क्रोध के बाद होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि क्रोध ना करना, और अगर क्रोध अगर हम करेंगे तो हत्या हो जाएगी हमारे हाथ से। हालेलुया। उस हत्या से बचाने के लिए, उस दंड से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह हमसे कहते हैं कि क्रोध ना करना, और क्रोध अगर हम करेंगे तो इसका मतलब हम घमंडी हैं। तो उस घमंड को भी हमने अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से निकाल कर फेंक देना है, क्योंकि वचन में लिखा है हरेक घमंडियों की आंखें गर्दन नीची की जाएगी। हालेलुया। हरेक घमंड से चढ़ हुई आंखें, जो परमेश्वर जिनको देखता है परमेश्वर उनसे घृणा करता है। लिखा है नित्य वचन 6:16 में के 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हालेलुया। अर्थात घमंड से चढ़ हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ, अनर्थ कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, और झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। हालेलुया। तो घमंड से ही शुरुआत होती है क्रोध की। क्रोध हमसे हत्या करवाता है, और हत्या से पहले क्रोध और हत्या के बीच में एक चीज आती है और वह झगड़ा। हालेलुया। वो झगड़ा हमारे जीवन में कौन लेकर आता है? हमारा एटीट्यूड, हमारा घमंड। अगर हमारे घरों में लड़ाई झगड़े हैं तो हम घमंड में जी रहे हैं, और अगर हम घमंड में जी रहे हैं तो याद रखिए कि परमेश्वर की दृष्टि में हम लोग घृणित हैं, घृणित। क्योंकि अभी मैंने बताया है कि नीति वचन 6:6 में लिखा है कि 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। हालेलुया। परमेश्वर घृणा करता है उन लोगों से जो घमंड से भरे होते हैं। परमेश्वर घृणा करता है उन लोगों से जो घमंड के कारण क्रोध करते हैं। परमेश्वर घृणा करता है उन लोगों से जो क्रोध के कारण झगड़े करते हैं। परमेश्वर घृणा करता है उन लोगों से जो झगड़े के बाद हत्या या मर्डर करते हैं। हालेलुया। हमें अपने आप को बदलना होगा, हमें अपनी सोच को बदलना होगा, हमें वातावरण को बदलना होगा, हमें अपना पहला कदम बढ़ाना होगा। अगर आज हमसे कोई नाराज है तो हम आज उसको पहले बढ़कर उसको मना लें, हम सॉरी बोलें, हम माफ करना सीखें, हम माफी मांगना सीखें। हालेलुया। क्यों? क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो वो न्याय करने के लिए आएंगे, और जब हम देखेंगे कि हमारे जीवन में क्रोध था, हमारे जीवन में घमंड था, हमने अपनी जिंदगी को लड़ाई झगड़ों में बिता दिया, तो फिर वो कहेगा हे सांप के बच्चों मेरे सामने से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। तो ये लड़ाई झगड़े क्यों आ जाते हमारे जीवन में, उसकी एक और वजह मैं आपको बताता हूँ। मत्ती 5 ही अगर आपने निकाल रखा है तो मेरे साथ पढ़ लीजिए 43 आयत से।
यहाँ लिखा है तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि अपने पड़ोसी से प्रेम रखना और अपने बैरी से बैर, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। क्या हम ऐसा करेंगे? हालेलुया, हम करेंगे ऐसा? नहीं कर सकते, लेकिन हम करने की कोशिश कर सकते हैं। हम परमेश्वर से वायदा कर सकते हैं, प्रभु जो तूने वचन में मुझसे कहा है मैं उसको करने का पूरा प्रयास करूंगा। हम प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से मांगे, प्रभु मुझे शक्ति दे, सामर्थ्य, बल दे कि मैं तेरे वचन के अनुसार चलने की कोशिश कर सकूं। हालेलुया। ये लड़ाइयां झगड़े हमें कहां लेकर जा रहे हैं? ये हमें नरक की ओर लेकर जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर, ये गिलास यहाँ पर क्यों रखा है, ये झाड़ू क्यों नहीं लगाई, तू आया क्यों नहीं, तूने मुझे फोन क्यों नहीं किया, ये छोटी छोटी बातें झगड़े उत्पन्न करती हैं और ये झगड़े बड़े बड़े होकर लड़ाइयों में तब्दील हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है हम सब जानते हैं, मन मुटाव, दूरियां, घरों में क्लेश, घर अलग अलग हो जाते हैं, एक घर के दो दो के चार बढ़ते चले जाते हैं। तो परमेश्वर हमसे मेल मिलाप चाहता है, ना कि हमसे लड़ाई झगड़े चाहता है। क्योंकि हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 9 आयत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। पहला कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसकी 9 आयत यह लिखा है, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हालेलुया। तो जब प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है तो कैसा मुंह लेकर जाएंगे हम? क्या क्रोध में? नहीं। हम घर में लड़ाई झगड़ा करके हम तब जाएंगे? नहीं, हम नम्र दीन बनकर जाएं। हालेलुया। अपने आप को बिल्कुल छोटा बना लें। यीशु मसीह ने अपने आप को छोटा बना लिया। यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए। यीशु मसीह ने गरीबों में जाकर सेवा की। यीशु मसीह ने जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, वो चाहते तो अपने लिए परमेश्वर से प्रार्थना करके बहुत बड़ी सेना को, स्वर्गदूतों की सेना को बुला सकते थे ताकि वो यीशु मसीह को उन दुष्टों के हाथ से बचा सकते। लेकिन यीशु मसीह ने क्रूस पर खड़े होकर कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। हालेलुया। ये जानते नहीं कि ये क्या करते हैं। लेकिन हम जरा सी बात, जरा सी ठोकर, जरा सी तू मैं को हम एक बहुत बड़ा एक पहाड़ बना देते हैं। वो चीज गलत है। क्यों? क्योंकि लड़ाई जो है वो शारीरिक काम है। अगर हम आज भी अपने घर में लड़ाइयां कर रहे हैं तो हम शारीरिक हैं। हमने चाहे यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया हो, चाहे हमने बहुत बड़े पास्टर बिशप से बपतिस्मा ले लिया हो, चाहे हम हर पहले संडे को प्रभु भोज ले रहे हों, अगर हम लड़ाइयां कर रहे हैं तो हम शारीरिक हैं। प्रभु भोज लेने का कोई फायदा नहीं अगर हम आज भी लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, अगर हम आज भी तू मैं कर रहे हैं, अगर आज भी पड़ोसियों को हमारे घर में से लड़ाइयों की आवाजें आ रही हैं, अगर आज भी पड़ोसियों को हमारे घर में से बर्तनों के गिरने की आवाज आ रही है, अगर आज भी पड़ोसियों को हमारे घरों में से गालियों की और मारपीट की आवाज आ रही है, तो हम आज भी शारीरिक हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर के योग्य नहीं हैं। अगर परमेश्वर के योग्य बनना है तो हमें अपने जीवन से, अपने परिवार से, अपने कुटुंब से इस लड़ाई की दुष्टात्मा को निकालना होगा। हालेलुया। ये लड़ाई की दुष्टात्मा कैसे निकलेगी? सिर्फ और सिर्फ प्रार्थना के द्वारा। और दूसरी बात, हम अब बर्दाश्त करना सीखें, संयम। हमने अभी पढ़ा था सबसे शुरू में कि गलातियों 5:19 से आगे, जल्दी से मैं उसको पढ़ दूंगा, उसके बाद मैं समाप्त करूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। गलातियों 5 अध्याय और उसकी 19 आयत, यहाँ लिखा है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा। ये शरीर के काम। अगर हम लड़ाई झगड़े कर रहे हैं तो हम शारीरिक हैं। अगर हम तू मैं कर रहे हैं तो हम शारीरिक हैं। हम कितने बड़े पास्टर हों, हम कितने बड़े टीचर हों, हम कितने बड़े नेता हों, हम कितने कुछ भी हों, हम कुछ भी हों, अगर हम लड़ाई कर रहे हैं तो परमेश्वर की दृष्टि में हम सबसे छोटे हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम बिल्कुल तुच्छ हैं। परमेश्वर की दृष्टि में हम घृणित हैं। परमेश्वर हमें कोई आशीष नहीं देगा। परमेश्वर हमें कोई चंगाई नहीं देगा। परमेश्वर हमें कुछ भी नहीं देगा।
हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेल मिलाप का परमेश्वर है, ना कि लड़ाई झगड़ों का। हालेलुया। पर यहाँ पर आगे मैं पढ़ता हूँ क्या लिखा है कि डा मतवालापन लीला केड़ा और ऐसे ऐसे और काम है, इनके विषय में मैंने तुमको पहले से कह देता हूँ, जैसे पहला कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। ये कौन? झगड़ा करने वाले। अगर हम सोच रहे हैं कि हम परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, यीशु मसीह आने वाले हैं, हम उनके साथ उठाए जाएंगे और लड़ाई झगड़े हमारे जीवन में है, लड़ाई झगड़े हमारे घर में है, तो ये बात हम भूल जाएं कि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। देखिए आगे क्या लिखता है 22 आयत में, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। संयम, संयम रखना है हमको, संयम। कोई भी कुछ कह दे, हम उसको कह दें गॉड ब्लेस यू, प्रभु तुमको आशीष दे। हालेलुया। आपको मैं बता दूं, जब एक बड़ा जो स्वर्गदूत है जिसका नाम है मिकाइल, वो मूसा की लोथ को लेकर जा रहा था स्वर्ग में, तब रास्ते में उसको इबलीस मिल गया और वो मूसा की लोथ को उससे छीनने लगा। तो जो मिकाइल है वो तो बहुत ही योद्धा स्वर्गदूत है, वो मार सकता था, उसके जबड़े पे मारता है और उसको गिरा देता नीचे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पता है उसने क्या कहा? आइए देखते हैं, यहूदा की पत्री प्रकाशित वाक्य से बिल्कुल पहले है, एक ही अध्याय है उसमें, उसने क्या कहा? यहूदा एक अध्याय, हालेलुया, यहूदा एक अध्याय और उसकी 9 आयत में पढ़ूंगा, यहां लिखा है, परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा की लोथ के विषय में वाद विवाद करता था तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर ये कहा, प्रभु तुझे डांटे। हालेलुया। ये चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। हम खुद ही लड़ने चले जाते हैं, हम खुद ही भिड़ जाते हैं। मूसा ने कहा इसराइलियों से कि खड़े खड़े वो दार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करता है, जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे, क्योंकि यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर गलती सामने वाले की है तो परमेश्वर देखेगा, तो आप कौन होते न्याय करने वाले। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है कि इन लड़ाइयों को हम अपने जीवन से निकालें, एक पोलाइट, हम्बल, नम्र, दीन बन के हम अपने जीवन को व्यतीत करें, छोटे बनकर। यीशु मसीह ने कहा कि जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की दृष्टि में छोटे बन जाते हैं, जब हम लोगों की दृष्टि में छोटे बन जाते हैं, तब परमेश्वर हमें ऊंचे स्थान पर खड़ा कर देता है। यह व्यवस्था विवरण 28 अध्याय में लिखा है 11 और 12 आयत में कि वो तुझे पूंछ नहीं सिर ही ठहराएगा और तू नीचे नहीं बल्कि ऊपर ही होगा। हालेलुया। तो बहुत ही संवेदनशील मामला है ये। हर एक घर में लड़ाई है, हर एक घर में तफरके हैं, हर एक घर में मनमुटाव है। ये किसका काम है? ये शैतान का काम तो है ही, ये मेरा खुद का भी काम है। मैं ही लड़ाई का जन्मदाता हूं, मैं ही लड़ाई को पैदा करता हूं, मैं ही लड़ाई को अपने घर में जगह बनाकर रखता हूं, मैं ही लड़ाई को घर से बाहर नहीं निकालता। इसीलिए मुझे आशीष नहीं मिलती, इसीलिए मुझे चंगाई नहीं मिलती, इसीलिए स्वर्ग के राज्य के दरवाजे मेरे लिए बंद हैं। हालेलुया। तो लड़ाई का जन्मदाता कौन है? मैं और आप हैं। अगर हम इसके जन्मदाता हैं तो हम ही इस लड़ाई को अपने घरों से, अपने जीवन से, अपने कुटुंब से खत्म करें। आज ही परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ये लड़ाई हमारे घर से निकल जाए। जल्दी से एक वचन में और याद आ रहा है मेरे को, मैं पढ़वाना चाहता हूँ, पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, वहां पर जल्दी से मैं पढ़ूंगा। लिखा है जो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय, जल्दी से मैं पढ़ दूंगा क्योंकि टाइम हो चुका है, 2 ऐसे मैं पढ़ूंगा, क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र लोग जगत का न्याय करेंगे? तो जब तुम्हें जगत का न्याय करना है तो क्या तुम छोटे से छोटे झगड़ों का भी निर्णय करने के योग्य नहीं? क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का न्याय करेंगे? तो क्या सांसारिक बातों का निर्णय ना करें? तो यदि तुम्हें सांसारिक बातों का निर्णय करना हो तो क्या उन्हीं को बैठाओगे जो कलीसिया में कुछ नहीं समझे जाते? मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए कहता हूँ, क्या सचमुच तुम में एक भी बुद्धिमान नहीं मिलता जो अपने भाइयों का निर्णय कर सके? वरन भाई भाई में मुकदमा होता है और वह भी अविश्वासियों के सामने। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि तुम आपस में मुकदमा करते हो। वरन अन्याय क्यों नहीं सहते, अपनी हानि क्यों नहीं सहते?
हालेलुया। पौलुस क्या कहता है कि तुम में बहुत बड़ा दोस्त है कि तुम मुकदमा करते हो, तुम लड़ते हो आपस में, अन्याय सह लो, ये सहन कर लो। एक बार लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। दोबारा ये बात हमारे सामने आ गई कि झगड़ा करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे और अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। हालेलुया। लिखा है आगे, धोखा न खाओ वैश्यागामी ना पुरुष मूर्ति पूजक ना परिस्त्रीगामी ना लुच्चे ना पुरुषगामी ना चोर ना लोभी ना पियकड़ ना गाली देने वाले ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। और तुम में से, ध्यान से सुनिएगा आखिरी आयत, और तुम में से कितने ऐसे ही थे, कितने ऐसे थे, हम लड़ाई झगड़ों में नशे में अपने जीवन को व्यतीत करते थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। जब पवित्र हो गए और जब धर्मी ठहर गए उसके बाद फिर लड़ाई झगड़े, तो बड़ी अचंभित बात है। हालेलुया। ये तो परेशान कर देने वाली बात, जब हम लोग भी परेशान हो जाते हैं, पास्टर लोग परेशान हो जाते हैं इन बातों से, घरों में लड़ाई झगड़े देख देख के, तो परमेश्वर कितना परेशान हो जाता है। हम धोए गए हैं, यीशु मसीह के लहू से धोए गए हैं, ये चीजें हमारे जीवन से चली गई, ये लड़ाई झगड़े हमारे जीवन से चले गए, तो फिर दोबारा क्यों आ जाते हैं हमारे सुख विलास। तो इन लड़ाई झगड़ों को हम अपने जीवन से दूर करें, अपने शरीर से दूर करें, हम दीन बन जाए, छोटे, जो छोटा बनेगा परमेश्वर उसको बड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में बड़ा बनने के लिए आज मुझे और आपको छोटा बनना पड़ेगा। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और बढ़ाई करते हैं प्रभु, क्योंकि तू सुयोग्य प्रभु जी। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सुंदर वचन के लिए जो तूने आज दिया प्रभु जी। वचन के द्वारा प्रभु तू हमसे बोला, हमसे बातचीत की। खासतौर से मैं उन परिवारों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जिन घरों में प्रभु जी लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, तफरके हैं, मन मुटाव है, अलगाव है मेरे परमेश्वर प्रभु जी, क्योंकि तू वहां पर नहीं है। शारीरिक लोग लड़ते हैं मेरे परमेश्वर, जो शरीर में जीवन बीता रहे हैं प्रभु जी, जो शारीरिक रूप से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्रभु जी, वो आज लड़ाई झगड़ों में फंसे हुए हैं मेरे परमेश्वर प्रभु जी। तू उनसे बोल, बातचीत कर प्रभु जी, उन्हें बता के आत्मा के अनुसार चलो, क्योंकि तुमने यीशु मसीह को पहन लिया है, क्योंकि तुमने यीशु मसीह के लहू और मांस को अपने अंदर ले लिया है, तो क्या अब शारीरिक जीवन जियोगे। हालेलुया प्रभु। परमपिता परमेश्वर, हर एक उस परिवार से लड़ाई झगड़ों की दुष्ट आत्मा को निकाल प्रभु, जो तेरे कहलाते हैं मेरे परमेश्वर। प्यार की आत्मा को उंडेल मेरे परमेश्वर, प्रेम की आत्मा को उंडेल प्रभु जी, शांति की आत्मा को उंडेल मेरे परमेश्वर, आनंद की आत्मा को उंडेल मेरे प्रभु यीशु मसीह, विश्वास की आत्मा को उंडेल मेरे परमेश्वर, नम्रता की, कृपा की, संयम की, धीरज की आत्मा को उंडेल मेरे परमेश्वर, ताकि प्रभु तेरे बच्चे इन अंतिम दिनों में, जबकि तेरा शुभ आगमन निकट है, प्यार मोहब्बत से रहे प्रभु जी, क्योंकि हम जानते हैं प्रभु जी जिस घर में फूट पड़ती है वो बना नहीं रहता। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि हम मिलके रहें, अगर घर में फूट है तो ये बात सच है कि कोई तीसरा इसका फायदा उठाएगा। हालेलुया। तो मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, अपने बच्चों से पर्सनली बोल और बातचीत कर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को भी सुन लिया, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया, परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बोला, हमसे बातचीत की। हालेलुया। प्रभु आप सबको इसी तरह से बहुत सारी आशीषें हमेशा हमेशा देता रहे। हालेलुया।